हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। गाइस, क्या आपका बजट 12,000 के आसपास है और इस बजट में अपने लिए कोई सा एक बेस्ट 5G स्मार्टफोन बाय करने की सोच रहे हैं? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन जिसे आप 12,000 के आसपास बाय कर पाएंगे। ये पांचों ही वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होगा जहां पर आपको प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर मिलेगा विद 5G सपोर्ट, 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले होगा और इतना ही नहीं 8GB रैम और 128GB स्टोरेज भी होगा और भी कई सारे कमाल के फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा इन पांचों स्मार्टफोन के अंदर। तो अगर आप भी 12,000 के आसपास अपने लिए कोई सा एक बेस्ट 5G स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो, इसलिए हमने इन पांचों स्मार्टफोन को ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर रैंकिंग किया है। तो हम शुरू करेंगे लास्ट के नंबर से, नंबर 5 से। और नंबर 5 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, ये फोन रिसेंटली लॉन्च हुआ है और साथ में इस फोन का UI काफी नीट एंड क्लीन है दोस्तों। जी हाँ, इस फोन का नाम है नोकिया G42 5G। जनरली नोकिया के स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी नहीं होते हैं, लेकिन ये वाला फोन वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी में आता है। 12,500 के आसपास मिल जाएगा ये फोन आपको एंड प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे फीचर्स दिया गया है। चलिए डिटेल में जानते हैं जल्दी से इस फोन के बारे में। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन दिखने में काफी अच्छा है, वैसे कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। 8.6mm की थिकनेस है एंड 194g वेट है एंड IP52 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो हल्का फुल्का डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी रहेगा। ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। वैसे भी नोकिया के फोन ड्यूरेबल होते हैं। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो ये फोन हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, मतलब 2 5G सिम या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। और सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया गया है जिसकी आउटपुट अच्छी है। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये फोन विद स्टॉक एंड्रॉइड, तो किसी भी तरह के एड्स और ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलेगा। और नोकिया ने प्रॉमिस किया है इस फोन को 2 ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। चलिए इसके साथ ही कुछ मेन फीचर्स भी जान लेते हैं। तो इस फोन में लगा हुआ है 5000mAh की बड़ी बैटरी और साथ में ही 20W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, तो बैटरी को चार्ज होने में समय लगेगा लेकिन बैटरी बैकअप अच्छा है। बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो इस फोन में लगा हुआ है 6.56 इंचेस की HD+ IPS डिस्प्ले। तो जी हाँ, फुल HD+ डिस्प्ले नहीं है लेकिन 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है, 180Hz की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है और 560 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से आपको डिस्प्ले डिसेंट टाइप का देखने को मिलता है। डे टू डे यूजर्स में स्मूथ फील होता है 90Hz रिफ्रेश रेट होने के कारण, बाकी कंटेंट वॉचिंग के लिए ठीक ठाक रहेगा। वैसे कैमरा के बारे में बात करें तो बैक साइड में 3 कैमरा लगा हुआ है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50MP का है। इसके अलावा 2 और कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि 22MP का है और ये मैक्रो और डेप्थ कैमरा है। रियर कैमरे से फुल HD में 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं फ्रंट में 8MP का कैमरा दिया गया है, इस कैमरे से फुल HD में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो कैमरा परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है हमें, डेलाइट कंडीशन में अच्छे से परफॉर्म कर लेता है। हाँ, लो लाइट में सम टाइम स्ट्रगल करते हुए दिखता है, कैमरा डिसेंट कैटेगरी में रहेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 480 प्लस वाला 5G चिपसेट। ये चिपसेट 8nm पर बना हुआ है और प्राइस के हिसाब से अच्छा चिपसेट है। 4 लाख के आसपास अंतुदु स्कोर आता है। इसके अलावा UFS 2.2 वाला स्टोरेज एंड LPDDR4X वाला रैम है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज अच्छा रहेगा। नॉर्मल यूज में कोई लैग और जिटरिंग इश्यू देखने को नहीं मिलता है, कैजुअल लेवल की गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये फोन 11 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, 4G प्लस का सपोर्ट अवेलेबल है, 12 बैंड वाईफाई आता है, वाईफाई कॉलिंग है और ब्लूटूथ 5.1 वर्जन का सपोर्ट है। प्राइस की बात करें तो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए 12,600 रुपए है, तो 12,500 के हिसाब से देखा जाए तो सही फोन है। स्पेशली सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है एंड परफॉर्मेंस से भी आपको इशू नहीं होगा। खैर, ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले स्मार्टफोन के बारे में। तो नंबर 4 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, ये भी एक वैल्यू फॉर मनी 5G स्मार्टफोन है दोस्तों। इस फोन का नाम है Redmi 12 5G। 12,000 के नीचे ये फोन भी आपको मिल जाएगा, बाकी क्या कुछ फीचर्स मिलता है चलिए डिटेल में जानते हैं जल्दी से। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन ग्लास बैक के साथ आता है और दिखने में काफी प्रीमियम है ये फोन, आप देख ही सकते हैं। 8.2mm की थिकनेस है एंड 199g वेट है और IP53 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो हल्का फुल्का डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी है ये फोन। तो ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब 2 5G सिम और 1 मेमोरी कार्ड सेम टाइम पर यूज कर सकते हैं आप। इस फोन में हमें सिंगल स्पीकर मिलता है एंड स्पीकर की आउटपुट अच्छी है और बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये फोन बेस्ड ऑन MIUI 14। बाय डिफॉल्ट इस फोन को 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। और हाँ, इस फोन में आपको मिलता है MIUI डायलर, तो चुपके से किसी का भी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं।
खैर बात कर लेते हैं कुछ मेन फीचर्स के बारे में। तो इस फोन में लगा हुआ है 5000 mAh की बैटरी और साथ में ही 18 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। कैजुअल यूज में एक से डेढ़ दिन तक का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन आपको। बात करें डिस्प्ले के बारे में तो इस फोन में लगा हुआ है 6.79 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है और 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले अच्छा दिया गया है, कलर्स कैलिब्रेशन सही किया गया है, मल्टीमीडिया कंजप्शन के लिए अच्छा रहेगा। बात करें कैमरा के बारे में तो रियर साइड में दो कैमरा दिया गया है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है और सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और ये डेप्थ कैमरा है। रियर कैमरे से फुल एचडी में 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, इस कैमरे से भी फुल एचडी में 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ओवरऑल इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप का रहेगा, डे लाइट में सही से परफॉर्म कर लेता है, इवन लो लाइट फोटोग्राफी भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। जी हाँ, इस फोन में आपको मिलेगा ब्रांड न्यू स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 वाला 5G चिपसेट। ये चिपसेट 4nm पर बना हुआ है, मतलब बैटरी कंजप्शन कम देखने को मिलेगी, 4 लाख से ऊपर अंतुतु स्कोर आता है। इसके अलावा UFS 2.2 वाला स्टोरेज, NLPDDR4X वाला रैम है। तो परफॉर्मेंस में ये फोन बहुत ही अच्छा रहेगा, काफी कैपेबल चिपसेट लगाया गया है, नॉर्मल टास्क में कोई इशू नहीं आएगा, आराम से आप गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं इस फोन से। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो ये फोन 7 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, 4G प्लस का भी सपोर्ट अवेलेबल है, डुअल बैंड वाईफाई दिया गया है, वाईफाई कॉलिंग है और ब्लूटूथ 5.3 वर्जन का सपोर्ट मिलता है। प्राइस की बात करें तो 4128 के लिए 12000 रुपए हैं और 1000 रुपए का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा आपको। और इस प्राइस पॉइंट पर काफी किलर फोन है ये रहे प्रोज एंड कौन सा पढ़ सकते हैं। बात करें तीसरे नंबर के स्मार्टफोन के बारे में तो नंबर 3 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, इस फोन का डिजाइन काफी अच्छा है दोस्तों। और हाँ, इस फोन में आपको मिलता है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज। इस फोन का नाम है इन्फिनिक्स हॉट 30 5G। 12000 के आसपास ये फोन भी आपको मिल जाएगा, बाकी इस प्राइस पॉइंट पर काफी सही फोन रहेगा ये भी। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज काफी अच्छा है, आप देख ही सकते हैं, हालांकि कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। 9.1mm की थिकनेस है एंड 215g वेट है, तो थोड़ा सा ये फोन बल्की रहेगा और IP53 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो हल्का फुल्का डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी है। सो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी वाइज काफी सही है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब 2 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड सिम टाइम पर लगा सकते हैं। और हाँ, इस फोन में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है और स्पीकर की आउटपुट अच्छी है। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है, बेस्ड ऑन XOX 13। इस फोन को 1 मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा और 2 इयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। और इन्फिनिक्स का फोन है तो बहुत सारे फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा कस्टमाइजेशन के लिए। इस फोन में आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा बिना अनाउंसिंग वाला, चुपके से किसी के भी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। बात करें कुछ मेन फीचर्स के बारे में तो बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6000 mAh की मैसिव बैटरी और साथ में ही 18 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बैटरी को चार्ज होने में समय लगेगा लेकिन बैटरी बैकअप काफी अच्छा रहेगा। बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में तो इस फोन में लगा हुआ है 6.78 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है, 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है एंड अप टू 580 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। सो प्राइस के हिसाब से बहुत ही कमाल का डिस्प्ले दिया गया है, ये फोन आपको 12000 के आसपास ही मिल जाएगा और इस प्राइस पॉइंट पर पंचोल कटआउट के साथ 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा आपको। सो मूवीज वगैरह देखने के लिए काफी अच्छा रहेगा ये फोन, क्योंकि स्टीरियो स्पीकर भी है। खैर, कैमरा के बारे में बात करें तो रियर साइड में दो कैमरा दिया गया है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है और सेकंड कैमरा AI लेंस है। रियर कैमरे से 2K में 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, इस कैमरे से भी 2K में 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो कैमरा आपको डिसेंट टाइप का मिलता है प्राइस के अकॉर्डिंग, अच्छे लाइटिंग कंडीशन में लगभग ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं तो इस फोन में लगा हुआ है MediaTek Dimensity 6020 वाला 5G चिपसेट। ये एक न्यू चिपसेट है, इसे आप Dimensity 810 इतना मान सकते हैं। 7nm पर बना हुआ है और 370000 के आसपास अंतुतु स्कोर आता है। साथ में UFS 2.2 वाला स्टोरेज, NLPDDR4X वाला रैम है, तो कैजुअल यूजर्स में परफॉर्मेंस इशू नहीं होगा आपको, आराम से आप लो टू मीडियम लेवल की गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं सो ये फोन 14 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, जो कि अच्छी बात है। 12 4G वोल्टी का सपोर्ट दिया गया है, 12 बैंड वाईफाई आता है, वाईफाई कॉलिंग भी मिल जाएगा और ब्लूटूथ 5.0 वर्जन का सपोर्ट मिलता है। और हाँ, NFC का भी सपोर्ट है। प्राइस की बात करते हैं तो 4128 के लिए 12500 रुपए हैं और 8128 के लिए 13500 रुपए, एडिशनली 1000 रुपए का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो 12000 के आसपास देखते हो तो बहुत ही कमाल का फोन है ये। खैर, ये रहे प्रोज एंड कॉन्स, आप देख सकते हैं।
बात कर लेते हैं सेकंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। ये फोन इस लिस्ट का सबसे न्यू फोन है। जी हाँ, इस फोन का नाम है Realme Narzo 60X 5G। 12,000 के आसपास ये फोन भी आपको मिल जाएगा एंड इस प्राइस पॉइंट पर काफी वैल्यू फॉर मनी फोन है ये भी। चलिए डिटेल में जानते हैं जल्दी से इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज काफी अच्छा है, दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। हालांकि कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। सिर्फ 7.9 mm की थिकनेस है, मतलब पतला फोन रहेगा एंड 190 ग्राम वेट है। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है और हाँ, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया गया है जिसकी आउटपुट काफी अच्छी है। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन रियलमी वाई 4.0। इस फोन को 2 ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। चलिए इसके साथ ही कुछ मेन फीचर्स भी जान लेते हैं जल्दी से। तो इस फोन में लगा हुआ है 5000 mAh की बड़ी बैटरी और साथ में ही 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बैटरी काफी तेजी से चार्ज हो जाएगा एंड कैजुअल यूज में एक दिन का बैटरी बैकअप भी दे देगा ये फोन आपको। बात करें डिस्प्ले के बारे में तो इस फोन में लगा हुआ है 6.72 इंचेस की फ्लैश डी प्लस IPS डिस्प्ले जो कि 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है एंड 680 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा डिस्प्ले दिया गया है, 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है, तो गेमिंग में और डे टू डे यूजेस में काफी स्मूथ फील होगा आपको। वैसे कैमरा के बारे में बात करें तो बैक साइड में 2 कैमरा लगा हुआ है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 MP का है और सेकंड कैमरा 2 MP का है जो कि डेप्थ कैमरा है। रियर कैमरे से फुल HD में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट में 8 MP का कैमरा दिया गया है, इस कैमरे से भी फुल HD में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप का रहेगा, आउटडोर सिनेरियो में काफी अच्छे से परफॉर्म कर लेता है, इवन लो लाइट फोटोग्राफी भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है ब्रांड न्यू MediaTek Dimensity 6100 वाला प्लस 5G चिपसेट। ये एक न्यू चिपसेट है जो कि 6 nm पर बना हुआ है और 400,000 से ऊपर अंततः स्कोर आता है। इसके अलावा UFS 2.2 वाला स्टोरेज NLPDDR4X वाला रैम है, तो परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छा रहेगा। नॉर्मल यूज में कोई ज्यादा लैग और जिटरिंग इशू देखने को नहीं मिलता है, आराम से आप कैजुअल लेवल की गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो 9 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है, 12 बैंड वाईफाई आता है, वाईफाई कॉलिंग है एंड ब्लूटूथ 5.2 वर्जन का सपोर्ट मिलता है। प्राइसिंग की बात करें तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए 13,000 रुपए है और 1,500 का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। तो प्राइस को कंसीडर करते हुए देखा जाए तो अच्छा फोन है रियलमी की तरफ से। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। बात कर लेते हैं दोस्तों लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो गाइस नंबर 1 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, इस फोन में आपको मिलेगा 6000 mAh की बड़ी बैटरी विद 5G सपोर्ट। इस फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी M14 5G। वैसे ये फोन 14,500 के आसपास आता है, लेकिन अभी ये फोन आपको 12,000 के आसपास मिल जाएगा। बाकी क्या कुछ फीचर्स मिलता है चलिए डिटेल में जानते हैं जल्दी से। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज काफी सिंपल सा रहेगा ये, ऑल्दो कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। 9.4 mm की थिकनेस है, मतलब ये फोन मोटा है एंड 206 ग्राम वेट है। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, सिंगल स्पीकर दिया गया है जिसकी आउटपुट अच्छी है एंड बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन वन यूआई 5.1 कोर एडिशन। सैमसंग इस फोन को 2 ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट देगा और 4 ईयर्स तक सिक्योरिटी अपडेट। और इस फोन में आपको मिलेगा सैमसंग का डायलर, मतलब चुपके से किसी का भी कॉल रिकॉर्ड कर पाएंगे। चलिए इसके साथ ही कुछ मेन फीचर्स भी जानते हैं जल्दी से। तो इस फोन में लगा हुआ है 6000 mAh की मैसिव बैटरी जो कि सपोर्ट करती है 25W फास्ट चार्जिंग को। तो फुल चार्ज होने में समय लगेगा, लेकिन 1 से 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप ये फोन आपको दे देगा। ध्यान रहे दोस्तों बॉक्स के अंदर अडेप्टर नहीं दिया गया है। खैर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.6 इंचेस की फ्लैश डी प्लस PLS डिस्प्ले। PLS IPS डिस्प्ले का ही टाइप है। 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है, 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है और 550 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले अच्छा मिलता है। हाँ साइड के बेजल्स वगैरह थोड़े से ज्यादा है, कंटेंट वॉचिंग के लिए ठीक ठाक रहेगा। एनीवे बात कर लेते हैं कैमरा के बारे में। तो बैक साइड में 3 कैमरा लगा हुआ है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 MP का है, सेकंड कैमरा 2 MP का है जो कि मैक्रो फोटो के लिए है और थर्ड कैमरा भी 2 MP का है और ये डेप्थ कैमरा है। रियर कैमरे से फुल HD में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट में 13 MP का कैमरा दिया गया है,
इस कैमरे से भी फुल एचडी में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल आपको कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप का देखने को मिलता है, आउटडोर में काफी अच्छे से परफॉर्म कर लेता है। एक लाइन में बोलो तो कैमरा से आपको ज्यादा निराशा नहीं होगी। परफॉर्मेंस की बात करोगे तो इस फोन में लगा हुआ है सैमसंग एक्जिनोस 1330 वाला 5G चिपसेट। ये चिपसेट 5 nm पर बना हुआ है, 4 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर आता है। इसके अलावा UFS 2.2 वाला स्टोरेज, NLP DDR4X वाला रैम है। तो नॉर्मल टास्क में आपको परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। हाँ, हैवी यूज में समटाइम लैगिंग इशू देखने को मिल सकता है, बाकी आप मीडियम लेवल की गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये फोन 13 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, 4G प्लस का सपोर्ट अवेलेबल है, डुअल बैंड वाईफाई आता है, वाईफाई कॉलिंग है एंड ब्लूटूथ 5.2 वर्जन का सपोर्ट है। प्राइस की बात करें तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए 14,500 रुपए हैं, और फिलहाल सभी बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 2,000 रुपए का इंस्टेंटली बैंक डिस्काउंट दिया गया है। इफेक्टिवली 12,500 के आसपास मिल जाएगा ये फोन आपको, और 12,500 के आसपास मिलता है तो इस फोन को आप बाय कर सकते हैं। खैर ये रहे प्रोजन कौन सा पढ़ सकते हैं। तो गाइज यही थे इस लिस्ट के टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन जिसे आप 12,000 के आसपास बाय कर सकते हैं। प्राइस समय के साथ फ्लैक्चुएट हो सकती है, तो सभी के बेस्ट वैल्यू डिस्क्रिप्शन में है तो देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।